तो आपको डर नहीं लगा जॉब छोड़ते हुए, इतनी अच्छी जॉब? नहीं, ऐसे तो इतना कोई डर नहीं लगा, और मेरी वाइफ भी तो नौकरी कर रही थी तो इतना इतनी परेशानी नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि सेविंग हो गई है, अभी चल जाएगी गाड़ी, इतना डर तो नहीं लगा। तो जब आपने जॉब छोड़ा और आप हर रोज़ 9 घंटे 10 घंटे जॉब में काम कर रहे हैं एंड सडनली अब वो काम नहीं है, तो आपकी दिनचर्या कैसे बदली, क्या चेंज आया, कैसे आपने फिर ब्रह्म विद्या को आगे बढ़ाया? एक तो थोड़ी सुस्ती में टाइम चला जाता है तो 9 घंटे एकदम से आप काम नहीं करते फिर उसके बाद जो मतलब ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेशन काम था ब्रह्म विद्या का, वो भी बढ़ रहा था क्योंकि टीचर बढ़ रहे थे, सेंटर बढ़ रहे थे धीरे धीरे। फिर हमारा पूरा सिस्टम सेट करूँ था कि टीचर का ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, तो इसमें फिर वक्त मैं दे पाया, और वीकडे को जो क्लास नहीं ले सकता था तो वीकडे को भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया। मैं भी पुणे जाने लगा, फिर हर हफ्ते 2 दिन अभी मैं पुणे जाता हूँ, वो अभी भी चालू है 2006 से जो चालू किया है, क्योंकि जो हमारा टीचर्स का कोर्स होता है वो तभी मतलब 2006 में सिर्फ मैं ही कंडक्ट करता था, अभी 2-3 टीचर और हो गए, मगर पुणे में मैं जाता था वो टीचर्स कोर्स लेने के लिए, तो हर हफ्ते 2 दिन मैं वहाँ पे जाता था, तो वहाँ पे भी 2-3 क्लासेस लेके आ जाता था, तो इस प्रकार मैं फिर ज़्यादा टाइम दे पाया, ज़्यादा क्लासेस और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑफिस तो है नहीं, हम ही करते हैं सब कुछ, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम या कुछ भी नया शुरू करना होगा, टीचर टीचर मिल मिल के ही करते हैं।